नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। बूंदी में प्रथम चरण के मतदान हेतु मतदान कर्मियों को दिया अंतिम प्रशिक्षण, समझाई मतदान की प्रक्रिया संबंधी बारीकियां। जिला निर्वाचन अधिकारी ने COVID-19 की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों को दिए निर्देश। दरअसल बूंदी पंचायत के आम चुनाव 2020 के तहत जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के 23 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए अंतिम प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान कर्मी मतदान स्थलों पर COVID-19 गाइडलाइन की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशिक्षण स्थल पर प्रवेश से पूर्व सैनिटाइजर से हाथ साफ कराने एवं थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण में मतदान की प्रक्रिया संबंधी बारीकियां समझाई गई, साथ ही मतदान में ड्यूटी वाले कर्मियों ने डाक मत पत्र से भी मतदान किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान, उपखंड अधिकारी कैलाश गुर्जर, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत के क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारी है और कितने दल रहे? जैसा कि आपको विदित है कि फर्स्ट फेज के चुनाव बूंदी और तालेडा पंचायत समिति के हमारे कल से चालू होंगे मतदान 23 से। उसकी रवानगी का जो कार्यक्रम है और EVMs पोलिंग पार्टीज़ को सौंपने का कार्यक्रम आज यहाँ स्कूल में किया जा रहा है। इसमें जो कल चुनाव है उसके अंदर 65 तो पोलिंग लोकेशंस हैं और 291 पोलिंग स्टेशंस हैं। और कोविड की जो है ख़ास तौर से ध्यान रखा गया है कि जो मतदाता आए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और ये इंश्योर किया जाए कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। पोलिंग पार्टी को भी हमने सफिशिएंट सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स दिए गए हैं। तो ये डेफिनेटली एक फोकस एरिया रहेगा कोविड। और जो इलेक्शन है वो एज़ पर गाइडलाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल संपादित है। पूर्ण तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल पूर्ण तैयारी हो चुकी है। प्रशिक्षण दिया जा चुका है सारे मतदान दलों को, दोनों पंचायत समितियों के। और अब जो है इनकी रवानगी का ही कार्यक्रम चालू है। EVMs जो है इनको दे दी गई हैं स्ट्रॉन्ग रूम से। अब ये बैठ के जो अपने पोलिंग स्टेशन पे आज पहुँच जाएंगे। प्रथम चरण शुरू हुआ है तो कितने दल रवाना हो रहे हैं, तो कहाँ का चुनाव है, क्या तैयारी? ये जो पंचायत चुनाव जो आज पंचायत समिति बूंदी और तालेडा के जो पोलिंग पार्टीज आज इस पांडाल से रवाना हुई, इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय और परिवेश महोदय भी इस पांडाल में पधारे थे। और उनके संबोधन के साथ ही हमने यहाँ से सभी 291 पार्टियाँ, इसमें 143 तालेडा की और 148 बूंदी की, वो मिला करके 291 पार्टी मई रिजर्व दलों के यहाँ से रवानगी विद ट्रेनिंग दी है। साथ ही उनको इस बार जो कोरोना की जो खास महामारी जो चल रही है उनके बारे में सख्ती से गाइडलाइन की पालना, पोलिंग पर्सनल के साथ साथ वहाँ पोलिंग स्टेशन भी पालना के लिए भी उनको पाबंद किया गया है कि वो उसकी सुनिश्चितता करेंगे। जहाँ तक उपस्थिति की बात, हमारी उपस्थिति हर वर्ष की भांति इस बार की उपस्थिति बड़ी अच्छी रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। और जो भी कोई किसी 2-4 कर्मचारी से जिनको तकलीफ थी उनको हमने मौके पर ही निर्णय लेकर के उनको रिप्लेसमेंट की कार्रवाई कर दी है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जिला प्रशासन के सहयोग से ये जो चुनाव इस फेज का है वो भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से इन मतदान दलों के माध्यम से संपादित होगा, ऐसे मेरा मानना है। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।